नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, मशाल जल चुकी है। जेल से घर आए संजय राउत बोले, अब होगी एक ही शिवसेना। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को 2 दिन में तीसरा झटका। एक और एमएलए ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, बस की टक्कर से 3 की मौत, 17 घायल। आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। एनसीपी में रोहित पवार लेंगे इस मार्च में हिस्सा। कोयंबटूर विस्फोट टेंडर फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन, तमिलनाडु में 45 ठिकानों पर जारी है रेड। बुलंदशहर में थाने की नाक के नीचे हो रहा अवैध खनन, भारी मात्रा में मिट्टी का किया जा रहा भराव। कानपुर से लखनऊ जा रही 2 लड़कियां लापता, कानपुर से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में सवार थी लड़कियां। लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षु सीओ प्रवीण यादव की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट, घटना में चालक गनर सहित सीओ घायल। डेंगू से करा रहा लखनऊ, राजधानी में डेंगू के कुल 42 नए मामले आए, डेंगू संक्रमितों की संख्या 1100 पार। कानपुर में रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश हुए फरार, इंडिया कंपनी के सेल्समैन से हुई लूट, घटना की जांच में जुटी पुलिस। किंग चार्ल्स तृतीय पर फेंके गए अंडे, शख्स बोला ये देश गुलामों के खून पर बना है। 1986 में क्वीन एलिजाबेथ के साथ हुई थी ऐसी घटना। अमेरिका में टर्म इलेक्शन, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी आगे, बाइडेन हारे तो बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। अमेरिका का दावा, रूस और यूक्रेन की सेना ने गंवाए 1 लाख से अधिक सैनिक, पुतिन दिख रहे कमजोर। G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, इंडोनेशिया में अगले हफ्ते होनी है ये बैठक। मध्यावधि चुनाव पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका ने साबित किया लोकतंत्र ही हमें बनाता है। दिसंबर को आईपीएल मिनी ऑक्शन, कोची में 10 टीमें लगाएंगी बोली, पंजाब के फर्श से सबसे ज्यादा 8.45 करोड़ रुपए। 13 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, बाबर रिजवान ने 105 रन की ओपनिंग साझेदारी की। नॉकआउट मुकाबले से पहले मिताली राज ने किया इंग्लैंड को खबरदार, बोली उच्च स्तर के बल्लेबाज है रोहित। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने से पहले हुए वसीम अकरम और बकार यूनिस स्टूडियोस से करेंगे भांगड़ा। टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए विराट कोहली, सूर्या नंबर 1 पर, श्रीलंका के विनांदु। काफी दिनों बाद स्पॉट हुए आमिर खान, सफेद दाढ़ी में पहचानना हुआ मुश्किल, फैंस ने कहा अब बुढ़े हो गए। खराब वीएफएक्स के कारण पोस्टपोन हुई आदि पुरुष, कभी वियो क्लैश तो कभी कोरोना के कारण बदली फिल्मों की रिलीज डेट। थाई समाज में 70 साल के बुजुर्ग बने गजराज राव, बोले 60 साल का होने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। शर्लिन चोपड़ा पर भड़के राज कुंद्रा, कहा खुद गंदगी फैलाने वाली जल्द अरेस्ट होगी, ये समाज के लिए खतरा है।
एक साथ पर्दे पर दिखेंगे सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ, सामने आया फर्स्ट लुक। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।